राजनांदगांव जिले में बीते 3 महीनों से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने के चलते मितानिन जिला कार्यालय में पहुंची, जहां उन्होंने डिप्टी कलेक्टर सरस्वती बंजारे को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मितानिन महिलाओं ने बताया कि उन्हें बीते 3 महीने से प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने आगे बताया कि पूर्व की सरकार ने भी 2200 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने भी राशि का भुगतान नहीं किया। यह स्थिति सिर्फ राजनांदगांव की नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में भी प्रोत्साहन राशि के लिए मितानिनों को स्वास्थ्य विभाग के कई चक्कर काटे, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। राजनांदगांव से नितिन खोबरागड़े की रिपोर्ट। हम लोग का मांग ये है कि हम सब मितानिन कार्यक्रम से हैं, इसमें मितानिन बहने हैं, हम लोग एमटी है, मितानिन प्रशिक्षक है, ब्लॉक समेक है और स्वास्थ्य पंचायत समेक है, हेल्प डेस्क भी है, जिसमें पिछले 3 माह से हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि है, क्षतिपूर्ति है, वो मानदेय किसी का नहीं आ रहा है। इसमें क्या हम लोग का भरे दिवाली में तक यहाँ पैसा हम लोग को नहीं मिला, मितानिन बहन लोगों को और हम लोग को भी, जिससे हम लोग के घर की आर्थिक स्थिति बहुत मतलब कमजोर हो चुकी है। तो हम लोग यही कलेक्टर महोदय से मतलब एक निवेदन करने आए हैं कि हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि है, क्षतिपूर्ति है, वो हमको मतलब समय पे दिया जाएगा। कितने 1 महीने की कितनी क्षतिपूर्ति? वो क्या अलग अलग, जैसे मितानिन बहनों के जो केस के ऊपर रहता है, किसी का 5 हो जाता है, किसी का 4 हो जाता है, किसी का 3, अलग अलग है। हम एमटी लोगों का बंदा है और स्वास्थ्य पंचायत समय का बना है, ब्लॉक समय का भी बना है। आप यहाँ के अलावा प्रदेश भर में ऐसी स्थिति है जिनको? जी हाँ, पूरा प्रदेश भर में ऐसी स्थिति है। जो आज की मितानी बहनों का, कई मितानी बहनों का घर इसी के इसमें चलता है और इतना आर्थिक स्थिति खराब हो चुका है कि हम लोग को बाहर से भी, और काम बहुत ज्यादा है हम लोग।